दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब भी हम ग्रे कवरेज करते बेस कलर के साथ, तो उस केस में हम क्या करते हैं, क्लाइंट के हेयर के अकॉर्डिंग हम कलर ट्यूब लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट के हेयर सपोज 3 नंबर के, तो इस केस में हम क्या करते हैं, 3 नंबर का कलर ट्यूब लेते हैं, 20 वॉल्यूम लेते हैं और मिक्स कर क्लाइंट का ग्रे कवरेज करते। उसी तरह सपोज किसी क्लाइंट के हेयर 4 नंबर के है, तो हम 4 नंबर का कलर लेते हैं, सेम 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स कर ग्रे कवरेज करते। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक यूनिक और एक हटके तरीका बताने वाला हूँ ग्रे कवरेज का। और ये जो तरीका, ये मैं आपको थियरी भी बताने वाला हूँ और ये इसके साथ प्रैक्टिकली भी आपको मैं प्रूव करके बताने वाला हूँ कि इसका रिजल्ट कैसे आता है, यानी आपका 100% ग्रे कवरेज होता है या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक और ध्यान से जरूर देखिए, ये वीडियो आपके काम का जरूर साबित होगा। सपोज दोस्तों आपके सैलून में कोई क्लाइंट आती है और उनके बालों का जो नंबर है वो है सपोज 4 नंबर, और आपको उनको 4 नंबर का कलर करना है, लेकिन 4 नंबर का कलर आपके पास अवेलेबल नहीं, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप मुझे नीचे चाहे तो कमेंट्स करके भी बता दो कि आप ऐसे केस में क्या करोगे। लेकिन आज मैं आपको एक यूनिक तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये कलर का रिजल्ट, यानी 4 नंबर का रिजल्ट अचीव कर सकते हो विदाउट यूजिंग 4 नंबर, यानी 4 नंबर की ट्यूब आपके पास अवेलेबल नहीं, फिर भी आप ये कलर रिजल्ट कैसे अचीव कर सकते हो। वैसे तो ये कलर रिजल्ट अचीव करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें से मैं एक तरीका आपको आज बताने वाला हूँ कि आपको कैसे ग्रे कवरेज करना है विदाउट यूजिंग 4 नंबर, यानी 4 नंबर की ट्यूब अवेलेबल नहीं, और आप ये कैसे रिजल्ट अचीव कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 कलर की ट्यूब लेनी है, यानी एक ट्यूब लेनी है 7 नंबर की, यानी 7 नंबर की एक कलर ट्यूब और दूसरी ट्यूब होगी 1 नंबर की, यानी आपको 2 कलर ट्यूब रखना, याद रखिए 2 कलर ट्यूब लेनी है, एक नंबर की और 7 नंबर की, और दोनों कलर ट्यूब को एक साथ मिक्स करना है और इसका रेशियो होगा 1:1, यानी आपको क्या करना है, 10 ग्राम 7 नंबर का कलर लेना है और 10 ग्राम 1 नंबर का कलर लेना है, और इसे 20 वॉल्यूम के साथ अच्छी तरह मिक्स कर बालों पर लगाना है, और इससे आपका ग्रे कवरेज 100% होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि इससे आपका ग्रे कवरेज प्रॉपर होगा। बाकी से मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके भी दिखाता हूँ। और ये प्रैक्टिकल देखने से पहले, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें हेल्प करते हैं या मोटिवेट करते हैं ऐसे नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो कमेंट्स दोस्तों जरूर करिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कैसे आपको करना है, यानी ग्रे कवरेज विद 2 कलर्स। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे मॉडल के ग्रे हेयर, यहाँ पर अराउंड हमारे मॉडल के 40-40% ग्रे हेयर है अप्रोक्सीमेट, और आज इसी ग्रे हेयर को हम कवर करने वाले हैं इस 2 कलर से। और यहाँ देखिए इसके लिए हमने 2 कलर लिए, स्ट्रिक्स ब्रांड के 2 कलर लिए, एक नंबर का कलर लिया है और दूसरा जो कलर लिया है वो 7 नंबर का कलर लिया, और इसके साथ हम डेवलपर भी यूज़ करने वाले हैं स्ट्रिक्स ब्रांड का, दैट इज़ 20 वॉल्यूम डेवलपर। ध्यान से देखिए यहाँ देखिए मैंने पहले 1 नंबर का कलर लिया है, अराउंड से लाइक 10 ml लिया है, और उसी में अब मैं 7 नंबर का कलर ऐड करने वाला, और वो भी लेने वाला हूँ 10 ml, यानी इक्वल रेशियो में दोनों कलर का रेशियो होगा इक्वल। और यहाँ देखिए 20 वॉल्यूम लिया है और इसका भी रेशियो होगा 1:1, यानी जितना मैंने कलर लिया है उतना ही मैं इसमें डेवलपर मिक्स करने वाला हूँ, दैट इज़ 20 ग्राम टोटल कलर हो गया और 20 ग्राम डेवलपर। और यहाँ देखिए मैं अभी कलर का एप्लीकेशन कर रहा हूँ, रूट टचअप कर रहा हूँ, यहाँ मैं कैसे रूट टचअप कर रहा हूँ इसे भी आप देखिए, बाकी रूट टचअप कैसे करना है वो आपको पता ही होगा, सिर्फ आप इसका चाहो तो फाइनल रिजल्ट देख सकते हो। ये जो आज कलर कर रहे हैं हमारे एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये मिलके कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर मेरा आपके लिए एक सवाल है कि आप, मैंने जो कलर लिया है 1 नंबर और 7 नंबर, ये क्यों लिया है आपको मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना है कि क्यों, क्या फ़ायदा है 1 नंबर और 7 नंबर कलर मिक्स कर ग्रे कवरेज करने का, ना किस तरह से उसका रिजल्ट 4 नंबर की जैसा आता है, ये आपको मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना है। और दोस्तों जैसे ही आपका कलर का एप्लीकेशन होता है, आपको इस प्रोडक्ट को बालों पर रखना है, ना कलर को बालों पर रखना है अराउंड से 30-35 मिनट्स, और उसके बाद यहाँ पर देखिए वॉश के बाद प्रॉपर फाइनल रिजल्ट इस कलर का, यानी देखिए हमारे क्लाइंट के 100% ग्रे कवरेज हो चुके हैं, पूरे वाला आप देख सकते हो, आप चारों बाजू से देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसका रिजल्ट आया है, सब जगह से आप देख सकते हो, मैं आपको आगे से भी दिखाता हूँ, यहाँ देखिए आगे से,
आगे से भी देख सकते हो कि प्रॉपर हमारा ग्रे कवरेज हो चुका है विद द हेल्प ऑफ 7 नंबर 7 नंबर ट्यूब एंड 1 नंबर ट्यूब, यानी दोनों ट्यूब की मदद से कैसे ग्रे कवरेज हुआ है।